दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज के स्क्रीन पर। आज जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं वो खबर थोड़ी सी हटकर है, कहीं ना कहीं ये आपके परिवार से भी जुड़ी खबर है, क्योंकि आपके परिवार में भी इस खबर का कोई ना कोई शिकार जरूर हुआ होगा, और वह शिकार न हो इसीलिए आज मैं ये आपको खबर बता रहा हूँ। और ये खबर हर इस देश के नागरिक को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाल ही में आने वाले दिनों में फिर से हर वर्ष की तरह जो ललित मोदी ने आईपीएल शुरू किया था, इंडियन प्रीमियर लीग, जो एक ऐसा सट्टे का कारोबार है जो कि आपके जीवन को हमेशा बर्बाद करता है, कभी आबाद नहीं करता। इसमें जो आईपीएल की टीम के मालिक होते हैं वह करोड़ों रुपए कमा जाते हैं, और करोड़ों रुपए की बंदर बाट लग जाती है आम जनता की। और इसी वजह से मैं आज ये आपको जो गुजरात से शुरू हुआ आईपीएल था, इस देश में आईपीएल की जो नींव रखी थी ललित मोदी ने, जो कि अब इस हिंदुस्तान से कहीं बाहर जा चुका है, आज भी जितनी भी नामी गिरामी हमारे देश की एजेंसियां है, जांच एजेंसियां है, वह ललित मोदी के पास पहुंच नहीं सकी है। लेकिन उसका आईपीएल हर वर्ष आयोजित होता है, और कई व्यापारियों के बच्चे या कई लोगों के बच्चे इस आईपीएल के सट्टे के कारोबार में फंसकर बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं आईपीएल की स्थापना से। आईपीएल आज से 10 साल पहले शुरू किया गया। एक क्रिकेट का जो देश की जो टीम होती है वह देश के बाहर जाकर भारत का नेतृत्व करती थी, वैसा ही टीम बनाकर देश में ही इंडिया में ही मैचेस खिलाए जाते हैं। हर देश के खिलाड़ियों को खरीदती है टीमें और अपने टीम के साथ खिलाती है, और टीम के जो मालिक होते हैं, जिसमें सबसे बड़े मालिक के तौर पर आज देखा जाए तो अंबानी परिवार है टीम का मालिक, उसके साथ में शाहरुख खान मालिक है, किंग फिशर कभी किसी जमाने में मालिक होता था विजय माल्या, लेकिन अब विजय माल्या कोई टीम का मालिक नहीं है। ऐसी कई टीमें बनाई जाती हैं जिसमें देश विदेश के सारे खिलाड़ी लिए जाते हैं और मैचेस खेले जाते हैं। मैचेस खेलने के साथ ही साथ बुकियों का जो काम होता है देश में, सट्टे का काम होता है, सट्टा लगाया जाता है बड़े पैमाने पर, चौका मारने पर पैसे लगते हैं, छक्का मारने पर पैसे लगते हैं, आउट होने वाले पर पैसे लगते हैं, और मैच जीतने पर पैसे लगते हैं। जब पैसे लगाए जाते हैं, बुकी जब ये सट्टे का कारोबार करते हैं, तो बड़े ही शौक से लोग उसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन वह पैसा धीरे धीरे जब जब मैचेस खत्म होते आते हैं, और जैसा ही आईपीएल खत्म होता है तो कई हिंदुस्तान के नौजवान दिवालिया घोषित हो जाते हैं। और ये दिवालिया घोषित कैसे होते हैं वह भी मैं बताता हूँ। गुजरात से शुरू हुआ आईपीएल आज देश के हर कोने में पहुँच चुका है, हर राज्य में उसके बुकी होते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ, गोंदिया जिला करके है, यह महाराष्ट्र में आता है, उसके बगल में ही भंडारा जिला है, उसी के बगल में नागपुर जिला है, उसी के बगल में वर्धा, अमरावती, ऐसे कई जिले हैं। गढ़चिरौली जिले का एक मामला हमारे सामने आया हुआ है। गढ़चिरौली जिले के एक छोटा सा तहसील नुमा इलाका है कुरखेड़ा, इस जगह भी आईपीएल के बुकी जो है वह बड़े पैमाने पे सट्टे का कारोबार करते हैं। अब ये सट्टे का कारोबार करने में किन लोगों का हाथ होता है वह भी मैं आपको बता दूं। थाना प्रभारी से लेकर तो जिला एसपी तक के यह बुकी अपना सब मैनेजमेंट संभालते हैं, और यह संभालने के पीछे का उनका मकसद होता है कि वह बड़े पैमाने पे मुनाफा कमाए। यह आईपीएल कई लोगों को पैसे कमा के देता है, लेकिन युवाओं को यह कर्जे में डूबो चुका रहता है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि गोंदिया में पिछले वर्ष लगभग 4 मामले सामने आए थे, जिसमें बुकी के पास उन्होंने सट्टा जरूर लगाया था, लेकिन सट्टे के पैसे न देने की वजह से उनके ऊपर कई केसेस दर्ज कर दिए गए थे, और कई पैसों के लिए उनकी तरफ गुंडों के हाथों से उनकी धुनाई भी की गई थी। ऐसे मामले कई जो थाने में जमा नहीं हुए थे, थाने में लिखित शिकायत नहीं आई थी, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर युवाओं को खंडनी के तौर पर पैसा मांगकर त्रस्त कर दिया था। कुछ युवाओं ने तो आत्महत्या भी की थी। देश में जब भी आईपीएल के मैचेस होते हैं तब आप देखेंगे देश में लगभग 100 से 150 युवाओं की आत्महत्या के मामले भी सामने आते हैं।
अब ये आत्महत्याएं होती उसी के लिए है क्योंकि बुकियों का पैसा वह नहीं दे पाते, मैचेस हार चुके होते हैं और डर के मारे वह अपनी जान गवा बैठते हैं। यह था पूरा आईपीएल का जो कारोबार है जो मैंने आपको बताया है। यह आईपीएल के कारोबार पर नकेल कसने के लिए हमें ऐसा लगता है कि पुलिस विभाग हमारी सहायता करेगा, लेकिन आप गलत फहमी में रहेंगे क्योंकि जब आईपीएल का कारोबार शुरू होता है तो भूखियों का जो कारोबार जो है, जो सट्टे का कारोबार है, बड़े पैमाने पे फल फूलता है और युवा वर्ग जो है, ग्रामीण इलाकों के युवा वर्ग हो, उनके व्यापारियों के बेटे हो या किसी अधिकारी के या टीचर के बेटे हो, यह बड़े खुशी से आईपीएल के मैच जरूर देखते हैं लेकिन उसमें उनके पैसे भी लगते हैं और पैसे लगने के साथ साथ वो बर्बाद भी होते हैं। तो मैं ये आज आपको जो खबर बताई है, यह खबर से आप सजग हो जाए, आगाज हो जाए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका बेटा मैच देख रहा है आईपीएल का, तो कभी भी गलत फहमी में ना रहिएगा क्योंकि हो सकता है आपके बेटे ने भी मैच में पैसे लगाए हो करके वह मैच बड़े गौर से देख रहा है। अक्सर मैच देखने वाले जितने भी लोग होते हैं वह अक्सर सट्टा ही लगाते पाए जाते हैं इस आईपीएल मैचेस में। तो आगाज रहे, सजग रहे, बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज।